नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, बड़ी अपडेट है जो PTET के स्टूडेंट रहेगा जिनका जो है अलॉटमेंट नहीं हुआ, मतलब जिनका नंबर नहीं आया, मतलब कम नंबर रह गए मेरिट से और कॉलेज नहीं मिल पाई। ठीक है, और आपने फीस भी जमा करवा दी और फिर भी जो है आप जो है कॉलेज में जो है PTET नहीं कर रहे हो, या फिर जो है आप जो है वंचित रह चुके हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, उनके लिए फीस रिफंड को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। PTET 2023 के माध्यम से 2 वर्षीय BEd या 4 वर्षीय जो है बीए बीएड बीएससी बीएड हेतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में भी विद्यार्थी जिन्होंने पंजीकृत शुल्क ₹5,000 अथवा जो है प्रवेश में पंजीकृत शुल्क है जो ₹27,000 है वो जमा करवाने के बाद राज्य के किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ हो, उन सभी विद्यार्थियों को उनके द्वारा जमा राशि को नियमानुसार जो है लौटाने जाने की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। आपके जो है ऐसे सभी जो है अप्रवेशित जो विद्यार्थी निर्देशित किया जाता है कि PTET 2023 की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध लिंक पर बैंक अकाउंट से संबंधित आवश्यक प्रतिविष्टिया सावधानी पूर्वक भरा जाना अनिवार्य नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, आपको जो है बैंक अकाउंट की पासबुक वगैरह जो है और PTET की जो फॉर्म भरा था वो लेकर जो है मित्र से भी भरवा सकते हो या फिर जो है अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। ठीक है, जो आपको अकाउंट नंबर डिटेल डाल लेनी है ताकि जो है आपका जो है पैसा वापस रिफंड हो सके। ठीक है, PTET साइट पर उक्त विद्यार्थियों द्वारा रिफंड पैनल लिंक प्रारंभ होने जो आपकी तिथि है 26/12 से लेकर 10/1 तक। ठीक है, 26 दिसंबर से लेकर 10 जो है दिसंबर तक जो है आपका जो है जब 10 जो जनवरी है उस तक आप जो है अपना जो है रिफंड के लिए फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपको जो है PTET की वेबसाइट है उस पर जाकर जो है अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल देना है ताकि फीस रिफंड हो सके। अपने दोस्तों के साथ ये जो है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो है फ़ायदा मिल सके। जय हिंद दोस्तों।